डायरेक्ट सेलिंग में वो लीडर बहुत तेजी से ग्रो करता है जिसको खुद प्रेजेंटेशन दिखाना आता है। तो आपको पेपर प्लान भी आना चाहिए, आपको बोर्ड प्लान भी आना चाहिए और आपको जूम पे भी प्रेजेंटेशन प्लान दिखाना आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज आपके बीच में नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं या नेटवर्क बिजनेस एक ही बात है इसको आप करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन साथ में मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे कोई भी वीडियो अगर हमारा अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और समय से आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत पैशनेट तरीके से कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं यूँ कहूँ कि इसके अलावा मुझे कोई दूसरा काम, जॉब या बिजनेस पसंद आता ही नहीं है। उसके पीछे के रीज़न क्या है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत कुछ देता है और अब भारत सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग को लीगलाइज़ कर दिया है। ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन आज का टॉपिक हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत विशेष है, खासकर जो कुछ समय से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं या अभी अभी किसी ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया है। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे मुकाम पे अपनी कंपनी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, अगर उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपको अभी तक समझ में नहीं आया है और आप लोगों को समझा भी नहीं पा रहे हैं तो आपकी अचीवमेंट बहुत देर से आने वाली है। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था तो मैंने भी बहुत ज़्यादा सीरियसली मार्केटिंग प्लान को समझने की कोशिश नहीं की थी और मैं टोटली डिपेंड रहता था अपने अपलाइन के ऊपर कि अपलाइन आएगा, प्लान दिखाएगा, उसके बाद कोई ज्वाइन होगा। अपलाइन के पास टाइम नहीं होता था और धीरे धीरे मैंने ये देखा कि अपलाइन की टीम बढ़ती चली गई और उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से उतना टाइम वो हम लोगों को नहीं दे पाए और हमारी ग्रोथ बहुत स्लो होती थी। काफ़ी समय ख़राब करने के बाद हमें ये पता लगा कि भाई मुझे जब तक खुद प्लान प्रेजेंटेशन देना नहीं आएगा तो मेरी ग्रोथ बहुत तेज़ी से आने वाली नहीं है। उसके बाद जब ये बात समझ में आई फिर हमने प्रेजेंटेशन प्लान को अच्छी तरीके से सीखना, समझना शुरू किया और आज की डेट में तो कोई भी प्लान अगर आप मुझे दिखाओगे तो मैं 10 मिनट के बाद एज इट इज़ उस प्लान को दे सकता हूँ। और जब से मैंने प्लान देना खुद स्टार्ट किया मेरी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। तो पहली चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको खुद प्रेजेंटेशन प्लान दिखाना आना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी आप प्लान दिखाना सीख लेते हैं उतनी तेज़ी से आपकी ग्रोथ होने वाली है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा साइंस, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है वो चाहता है कि मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लीडर जुड़ें। अब पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ, मान लीजिए मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं आपको अपलाइन नहीं मतलब मैं आपको अपनी कंपनी का के बारे में बताना चाहता हूँ लेकिन मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है, तो क्या आप एक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे जिसको मार्केटिंग प्लान दिखाना आता ही नहीं है? आंसर है बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहेंगे। तो कोई भी अच्छा लीडर या कोई भी लीडर उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहेगा जिसको प्लान दिखाना नहीं आता है। तो इसके पीछे के साइंस को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आपको अच्छी तरीके से मार्केटिंग प्लान समझ में आ जाएगा, मार्केटिंग प्लान दिखाना आ जाएगा तो आप किसी भी लीडर के सामने जब बैठेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब अपनी प्रेजेंटेशन आप दिखाएंगे तो उस व्यक्ति को एक विश्वास होगा कि यार इस व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाना आता है, इसको इतनी समझ है इस कंपनी के बारे में तो मुझे इसके साथ जरूर होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप अपनी अपलाइन से मिलवाते हैं, अपलाइन बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाता है तो उस आदमी को ये भरोसा तो हो जाता है कि यार कंपनी बढ़िया है, मार्केटिंग प्लान भी बढ़िया है, लेकिन उसके मन में एक फियर होता है, उसके मन में एक डर होता है यार मैं इस आदमी के साथ डायरेक्ट जुड़ूं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और कई बार ऐसा होता भी है और कई कंपनी में अपलाइन डायरेक्ट भी जोड़ लेती है, फिर उसके बाद काफ़ी झगड़े होते हैं। तो एक चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ें, आपके टीम बहुत अच्छी बने, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन यानी कि मार्केटिंग प्लान दिखाना आना चाहिए। ये सबसे पहला काम है। जितना जल्दी से जल्दी, अगर अभी अब तक आपने अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं सीखा है तो जितना जल्दी से जल्दी आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू कर देंगे मैं गारंटी दे रहा हूँ उतनी तेज़ी से आपको ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। पहली चीज़, आप अपने हिसाब से, आपके पास
पूरा टाइम है अपने हिसाब से अपनी टीम को आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। अब आप अपलाइन के भरोसे नहीं हैं, आप खुद प्रेजेंटेशन देके अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को मैंने अनुभव किया था। जब मैं अपनी अपलाइन से प्लान दिखवाता था तो लिमिटेड समय मुझे मिलता था, लेकिन जिस दिन मैंने प्लान दिखाना सीख लिया, अब अनलिमिटेड समय मेरे पास था और मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया और बहुत सारे लोग मेरे साथ तेज़ी से जुड़ने शुरू हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेजेंटेशन, एक तो पेपर प्लान आपको दिखाना जरूर आना चाहिए। हर कंपनी में एक पेपर प्लान होता है, 1-to-1 जब आप बैठते हैं तो पेपर पे प्लान दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ ऐसे नहीं कि वर्बली आप बोल रहे हैं, पेपर पे प्लान दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो आपको आना चाहिए। दूसरा, बोर्ड पे प्लान दिखाना भी आपको आना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति होगी जब 5, 10, 15, 20, 50 लोग बैठे होंगे, उस वक्त सिर्फ आप अगर पेपर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और बोर्ड पे आपको प्लान दिखाना नहीं आता, तो उस वक्त आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो बोर्ड प्लान भी आपको आना चाहिए और आज की टेक्नोलॉजी को भी आपको अडॉप्ट करना है। और वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी है जूम। अब मान लीजिए कि आज की डेट में आपको पेपर प्लान भी आता है, बोर्ड प्लान भी आता है, लेकिन कोई लीडर बैठा है कोलकाता के अंदर, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, कोई लीडर कोलकाता में बैठा हुआ है, उससे आपका संपर्क हो जाता है। वो कहता है, ठीक है सर, मुझे आपका प्रेजेंटेशन दिखाई देना है, देखना है, आप एक काम कीजिए, जूम लिंक भेज दीजिए और आप मुझे जूम पे प्रेजेंटेशन दिखाइए। और दोस्त, अगर आपको जूम पे प्रेजेंटेशन नहीं आती आज के दौर में, तो वो लीडर आपके साथ नहीं जुड़ेगा। वो जान जाएगा कि ये लीडर अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी को इसने अडॉप्ट नहीं किया है, और बहुत अच्छे लीडर आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि आने वाला वक्त सोशल मीडिया का है, न्यू टेक्नोलॉजी का है, जूम का है। आज बहुत सारा टाइम हम जूम के माध्यम से बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं और पैसा बचाते हैं। तो जूम पे भी आपको प्रेजेंटेशन दिखानी आनी चाहिए। अगर आपको जूम पे प्रेजेंटेशन दिखानी आ गई, कैसे जूम को ओपन करते हैं, कैसे जूम पे स्लाइड प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन को हम कंप्लीट करते हैं, ये सब कुछ आपको आज की डेट में आना चाहिए, जिससे बहुत अच्छे अच्छे लीडर कम समय में आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ। तो एक बात का ध्यान रखें, डायरेक्ट सेलिंग में वो लीडर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है जिसको खुद प्रेजेंटेशन दिखाना आता है। तो आपको पेपर प्लान भी आना चाहिए, आपको बोर्ड प्लान भी आना चाहिए और आपको जूम पे भी प्रेजेंटेशन प्लान दिखाना आना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होगी। आप इसको ट्राई करके देखिए, और अगर आपकी ग्रोथ तेज़ होती है, इससे कोई बेनिफिट मिलता है, तो आप मुझसे संपर्क करके मुझे बताइए कि सर इस वीडियो से हमें फ़ायदा मिला है। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।